शेरों के पांच छोटे छोटे बच्चे जिन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये बड़े होकर मसाई मारा के बड़े से बड़े जानवरों को मौत के घाट उतार देंगे। दिखने में ये बच्चे बहुत ही प्यारे और मासूम लगते हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर मत जाना, क्योंकि बड़े होने पर ये खेलते हैं खूनी खेल। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इन पांच भाइयों में से एक भाई गायब हो चुका है। ये है ओलोल मीना। नौजवानी में हुए एक जख्म की वजह से ये लंगड़ा कर चलता है। लोर को लोक, किसी जानवर के खुर की मार से इसकी नाक टूट गई थी, जो कि अब हमेशा बहती रहती है। यह है ओलपाडैन, एक ऐसा शिकारी जो शिकार की ताकत और उसकी साइज की परवाह किए बिना ही उसके पास पहुंच जाता है। देखा जाए तो ये एक असली फाइटर है। यह है ओलिबोर, इन भाइयों का लीडर। इसी ने खत्म किया था उसकी सगी बहन को। इस झुंड का एक ऐसा लीडर जो न केवल आक्रामक है बल्कि बेरहम और बेपरवाह भी है। और रही बात ओलोसी यादों की, तो वो गायब हो चुका है। इन शेरों के इलाके से विल्डबीस्ट के निकलते ही भैंसों के साथ इनकी पुरानी लड़ाइयां फिर से शुरू हो जाती है, जिसके चलते इन शेरों के झुंड में तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में कि ओलोसी यादो गायब कहां हो गया, और जानेंगे ओलिबोर और ओलपाडैन के साथ ऐसा क्या होता है कि वे दोनों मरते मरते बचते हैं। दोस्तों, पहले और दूसरे पार्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ाते हैं इस कहानी को आगे। तीन शेरनियों के साथ पांच भाइयों ने जो झुंड बनाया था वो अभी भी कायम है, और लोरकोलोक ने परेशान होने वाले अपने रेडियो कॉलर से पीछा छुड़ा लिया है। झुंड की तीन शेरनियों की बेटियां भी इनके साथ ही रहती है। फिलहाल ये मिलन के लायक नहीं हुई है, और सबसे दुख की बात ये है कि पांच भाइयों के शुरुआती बच्चों में से केवल एक ही बच्चा जिंदा बचा है, जो कि कमजोर और दुबला पतला सा है। विल्डबीस्ट कई महीने पहले ही मसाई मारा से सदन सेरेंगेटी की ओर जा चुके हैं, और अब बड़े शिकार के नाम पर सिर्फ भैंसे बची है, जिनका शिकार करना आसान नहीं है। शेर जब कभी भी भैंसे का शिकार करने की कोशिश करते हैं, तब भैंसों का झुंड कितना उत्पाद मचाता है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। शेर हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, जैसे ये शेरनी। ये काफी समय से भैंसों के झुंड से अलग हो चुकी एक भैंस पर नजर रख रही है। जब भैंसों का झुंड इससे काफी दूर निकल जाता है, तब ये अकेली ही इस भैंस पर हमला कर देती है। कुछ देर बाद इसकी मदद के लिए दूसरी शेरनी भी आ जाती है, और फिर देखते ही देखते बाकी के शेर भी आ जाते हैं, जिनकी गंध से और मदद की गुहार लगा रही अपनी साथी की आवाज से इस झुंड को भनक लग जाती है, जिसके बाद भैंसों का झुंड इन शेरों पर हमला कर देता है और 20-25 भैंसे जख्मी भैंसे को घेर लेते हैं। इधर बाकी के भैंसे शेरों की जान लेने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक चालाक शेरनी जो अपने पीछे पड़ी एक भैंस की कमजोर नजर का फायदा उठाती है, वो दौड़ते दौड़ते चुपचाप एक जगह पर घास में बैठ जाती है, जिसके अचानक गायब होते ही भैंसा जगह पर रुककर सोच में पड़ जाता है और अपनी दिशा बदल लेता है। ओलोल मीना और लोरकोलोक में भी इन भैंसों का सामना करने की हिम्मत नहीं है, और वे दोनों भी भाग जाते हैं। अब यहाँ एक सबसे कमाल का सीन बन जाता है। चार शेरों के सौतेले भाई जो कि इस झगड़े में शामिल नहीं थे और वे काफी दूर झाड़ियों में बैठे हुए थे, उन पर भी अचानक हमला हो जाता है। उनका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वे इस झमेले में फंस जाते हैं। देखा जाए तो ये भैंसे 3-4 किलोमीटर के दायरे में काफी समय तक उत्पाद मचाते रहते हैं। अगर इनके हाथ एकाद शेर लग जाता तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ते। कुछ देर बाद जब मामला शांत हो जाता है, तब भैंसों का झुंड आगे निकल जाता है, लेकिन जो भैंसा जख्मी हो गया था वो पीछे रह जाता है, जिसके बाद ये शेर अपना अधूरा काम पूरा कर लेते हैं। इस दावत में सौतेले भाइयों को छोड़कर सब शामिल हो जाते हैं। इन सौतेले भाइयों ने गुस्साई भैंसों का ध्यान भटकाने में मदद की थी, इसके बावजूद भी इन्हें यहाँ शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा। इन भाइयों की माए इन्हें काफी महीने पहले यहाँ छोड़कर चली गई थी, तब से इन्हें यहाँ कोई हिफाजत नहीं मिलती। ये नौजवान भाई यहाँ के कानून कायदे जानते हैं, इसीलिए वे सबका पेट भरने तक इंतजार करते हैं, ताकि लास्ट में बचा खुचा इन्हें मिल सके। बस कुछ दिन और इन्हें बचे खुचे टुकड़ों पर पलना होगा, उसके बाद ये नौजवान भाई खुद के दम पर बड़े बड़े भैंसों को मार गिराएंगे। ओलोल मीना और लोरकोलोक ज्यादातर शेरनियों के साथ ही रहते हैं। ओलिबोर और ओलपाडैन अपने इलाके की सरहदों पर गश्त लगाते रहते हैं। आज लोरकोलोक भी
सरहद पर इनके साथ है, लेकिन पांचवा भाई ओलोसियाडो कई नजर नहीं आ रहा। वो हमेशा से सावधान और सबके पीछे ही रहता था, लेकिन मार्च 2022 में वो हमेशा के लिए गायब हो गया। शायद मवेशियों पर हमला करने की वजह से चरवाहों ने उसे जान से मार डाला। वैसे भी मसाई मारा में ऐसी घटनाएं आम हो गई है। चार भाइयों की माए जब यहाँ से अपने पुराने इलाके में गई थी, तब उन्होंने अपने बड़े बेटों के नौजवान सौतेले भाई बहनों को यही छोड़ दिया था। कई बार 2 साल के इन शेरों के साथ यहाँ की एक शेरनी का बेटा भी शामिल हो जाता है। ये सब लगभग एक ही उम्र के है और शिकार में काफी माहिर हो चुके हैं। झुंड में इनका औधा उतना खास नहीं है। चारों भाई नौजवान नरों को अपने मुकाबले में खड़ा हो सकने वाला विरोधी मानते हैं और उनकी बहनों को इसीलिए भगा देते हैं क्योंकि वे मिलन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन घुसपैठिए शेरों को दूर रखकर झुंड के ये चारों लीडर सबको रहने की सुरक्षित जगह देते हैं। इसीलिए ये नौजवान खुद अपने लिए शिकार पकड़ने की कोशिश में उठा पटक करते रहते हैं। बड़े भैंसों को ना सही, लेकिन ये भैंसों के बच्चों को दबोचने में माहिर हो चुके हैं। बड़ी घास के अंदर ये नौजवान शेर भैंसों के झुंड की आंखों के सामने एक बच्चे को ऐसे दबोचकर गायब कर देता है मानो कुछ हुआ ही नहीं। बड़े शेर शिकार की जिम्मेदारी ज्यादातर शेरनियों पर डाल देते हैं, लेकिन वे अक्सर बछड़ों का शिकार करती है। छोटे शिकार की वजह से आपस में झगड़े होते हैं, लेकिन बड़े शेर बड़ी भैंसों पर हमला कर सकते हैं। बड़े शेर कभी कभार अपनी चैन की जिंदगी छोड़कर सबसे बड़े भैंसों को मारने की कोशिश करते हैं। रात में ऐसे ही एक भैंसे से इनकी लड़ाई हुई थी, इसीलिए लोरको लोग का चेहरा सूजा हुआ है और उसकी नाक में से खून बह रहा है। जिन भैंसों से इनकी झड़प हुई थी वे आसपास में ही है और ये रात का बदला तो इनसे लेकर ही रहेंगे। आसपास मदद के लिए बाकी के बफेलोस होने के बावजूद भी ये तीन शेर इस बफेलो पर सीधा हमला कर देते हैं। जिस बफेलो पर हमला किया गया है वो 800 किलो से भी ज्यादा भारी है, जिसे बचाने के लिए आखिरी बार और एक भैंसा आ जाता है और वापस भी चला जाता है। वो जान चुका है कि इन शेरों का पारा सटका हुआ है। कुछ देर बाद ओलुल मीना भी यहाँ आ जाता है, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में ये चार ताकतवर शेर इस भैंसे को मौत की नींद सुला देते हैं। 25,000 एकड़ के इलाके की हिफाजत करना मामूली बात नहीं है और ये जिम्मेदारी सिर्फ दो ही शेर उठाते हैं, ओलिबोर और ओल्पाडैन। बाकी के दो शेर इन सब झमेलों में पड़ना नहीं चाहते, वो शेरनियों के साथ इधर ही पड़े रहते हैं। और रही बात शेरनियों की, तो वे परिवार के लिए शिकार करती है और शिकार करने के लिए भी बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। वैसे तो ओलिबोर और ओल्पाडैन ने इलाका बचाने के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ ली है, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ज्यादा ही गहरे जख्म लगे हैं। ओल्पाडैन ने इलाका बचाने के लिए पड़ोसी शेर से जिंदगी और मौत की एक भयानक लड़ाई लड़ी है। उसने अपने दुश्मन को तो खत्म कर दिया है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। इस लड़ाई में ओल्पाडैन भी मरने ही वाला था, लेकिन रिजर्व के डॉक्टर्स ने इसका इलाज करके इसे बचा लिया, जिसके कुछ दिनों बाद ठीक होकर ये दोनों फिर से अपने झुंड में वापस आ जाते हैं। शेरनियों ने एक भैंसे का शिकार किया हुआ है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ये दोनों आते ही हत्या लेते हैं। इस बीच इनके छोटे सौतेले भाई भैंसों वाले मैदानों में खुद को उपयोगी साबित कर रहे हैं। बछड़ों को जन्म देने वाली हर भैंस उलझन में है, क्योंकि झुंड आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस भैंस को तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि बच्चा चलने लायक नहीं हो जाता। शेरों के इस तरह के प्रहारों को देखकर भैंस को लगता है कि ये बछड़े को मारने के फिराक में है, लेकिन इन शेरों की मंशा तो कुछ और ही रहती है। ये छोटे शेर बछड़ों को मारने में माहिर बन चुके हैं, इसीलिए वे अब बच्चे को नहीं बल्कि माँ को मारना चाहते हैं। और ये बात इस भैंस को तब पता चलती है जब ये नौजवान शेर बच्चे को छोड़कर सीधे माँ पर हमला कर देते हैं। और सबसे कमाल की बात ये देखने को मिलती है कि शेर का ये नौजवान बच्चा काफी देर तक अकेला ही इस भैंसे को काबू में रखता है। दूसरा भाई सही मौके का इंतजार करता है, जिसके कुछ देर बाद आखिरकार ये बच्चे खुद के दम पर एक बड़े शिकार को मार गिराते हैं। शिकार को मार गिराने के साथ साथ ये बच्चे ये भी सिद्ध कर देते हैं कि अब इन्हें किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके द्वारा किए गए शिकार इलाके की हिफाजत करने वाले बड़े नरों के भी काम आएंगे। और होता भी वही है, रात के समय इस दावत में चार बड़े शेर भी शामिल हो जाते हैं। हालांकि एक न एक दिन इन नौजवान शेरों को यहाँ से जाना
करना होगा, लेकिन इन्होंने एक अहम समय पर इस झुंड को मजबूती दी है और बड़े भाइयों को मसाई मारा में रोंगाई नदी के इलाके पर कुछ और समय तक कब्जा बनाए रखने में मदद की है। तो गाइस ये थी इन 5 भाइयों की कहानी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ कमेंट में ये बताना कि आपको कौन सा शेर सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।